नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A72 वर्सेस Samsung Galaxy F62 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy A72 में 6.5 इंच जबकि Galaxy F62 में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Galaxy A72 से कम है। विड्थ की बात करें तो Galaxy A72 में 3.05 इंच जबकि Galaxy F62 में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy A72 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy A72 में 0.33 इंच जबकि Galaxy F62 में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Galaxy A72 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy A72 में 203 ग्राम जबकि Galaxy F62 में 218 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Galaxy A72 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy A72 में सुपर AMOLED जबकि Galaxy F62 में सुपर AMOLED प्लस की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy A72 में 84.86% जबकि Galaxy F62 में 86.66% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy A72 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy F62 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy A72 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy F62 की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy A72 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Galaxy F62 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy A72 में Adreno 618 जबकि Galaxy F62 में Mali G76MP12 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy A72 में Qualcomm Snapdragon 720G और Galaxy F62 में Samsung Exynos 9 Octa 9825 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy A72 में 8GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy F62 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy A72 में 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy F62 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy A72 में 5000mAh जबकि Galaxy F62 में 7000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy A72 में 4 कलर्स जबकि Galaxy F62 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की, तो गैलेक्सी A72 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 38,099 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें गैलेक्सी F62 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 22,488 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो सैमसंग गैलेक्सी A72 में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें सैमसंग गैलेक्सी F62 की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में गैलेक्सी F62 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी S25 है जो कि 37,990 रुपए में मिलता है। दूसरा सैमसंग गैलेक्सी S25 5G है जो कि 47,999 रुपए में मिलता है। तीसरा वीवो X60 है जो कि 41,990 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A52 है जो कि 24,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।